चलिए गाइस अभी और बढ़ते हैं आगे, और आज जो है हम देखेंगे कि YouTube चैनल के लिए निश सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसा होना चाहिए, ताकि आपका जो YouTube चैनल है वो कहीं पर भी जाके स्टक ना करे। अगर आप वाकई सीरियस हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और गाइस मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो आज जो है हम कवर अप करने वाले हैं, मैं तीन स्टेप्स के अंदर ये निश सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्लियर कर दूंगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, राइट। बहुत इजी तीन स्टेप्स होंगे, सो दैट कि आप जो है आसानी से अपने यूट्यूब चैनल का जो निश है वो आपको जो है समझ में आ जाए कि क्या करना है। तो सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए दैट इज कॉल्ड दी टैलेंट, है ना। टैलेंट यानी कि जो भी आपके पास में सबसे ज्यादा नॉलेज है, आपके पास में जो भी नॉलेज है, आपके पास में कौन सा ऐसा टॉपिक है, ये आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसके बारे में आप जो है काफी लंबे समय तक जो है वन बाय वन जो है आप बहुत सारा कॉन्टेंट डिजाइन कर सकते हो। ये पहला चीज, नॉलेज होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, है ना। ये आपको सेलेक्ट करना है और आई एम श्योर ये आपको खुद ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे नहीं पता होगा, मैं मेरा एग्जांपल दे देता हूं आपको। सो मेरा जो सबसे बड़ा जो टैलेंट है या मेरा जो नॉलेज है दैट इज इनटू दी आईटी, कोर आईटी टेक्नोलॉजीज लाइक सर्वर्स, नेटवर्किंग, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये जो है मेरा एक निश है। तो मैं इसी से रिलेटेड अपने YouTube चैनल्स बनाता हूँ। मेरे पास एक और भी निश है जिसके अंदर मैं बहुत सारा कंटेंट रेडी कर सकूं, दैट इज कॉल्ड द डिजिटल मार्केटिंग। सो ये मेरा निश हो गया। तो इसी तरह से आपका जो भी निश है वो आपको सेलेक्ट करना। सेकंड जो स्टेप है दैट शुड बी डिमांड मार्केट, यानी कि जो भी आपका स्किल है क्या वाकई उसकी डिमांड है या नहीं है, क्योंकि अगर डिमांड ही नहीं होगी तो आप फिर उसको कोई देखेगा नहीं, आप उस पर चैनल खोल के भी क्या करोगे, है ना। अगर मान लीजिए कि मैं जो है कोई एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट कर लेता हूं जिसका कोई मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है, कोई उसको सर्च ही नहीं कर रहा है, तो फिर मैं उस पर कितनी भी मेहनत करके वो कॉन्टेंट बनाऊं या चैनल बनाऊं या कितना भी कॉन्टेंट उसके अंदर स्टफ करूं, तो डेफिनेटली क्योंकि डिमांड नहीं है तो उसके ऊपर में ना तो सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, ना वॉच टाइम आएगा, ना ही चैनल मोनेटाइज होगा, और फाइनली थोड़ी सी क्या बहुत सारी मेहनत करके चैनल हम लपेट के कपड़े में साइड पे रख देंगे, ठीक है ना, यानी कि बंद कर देंगे, उस पर हम काम करना छोड़ देंगे। तो इसलिए डिमांड को सर्विस आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिमांड कैसे चेक करेंगे, बहुत सिंपल है, trends.google.com पे जाओ, वहां पर जाकर आपको सर्च करना है जो भी आपका निश है, सेलेक्ट करो और एंटर करो। अब जिस भी कंट्री से उस कंट्री को सेलेक्ट करो, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अब आप तो पिछले एक महीने का देख रहे हैं या 12 महीने का देख रहे हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर के ऊपर में चेक करो कि क्या जो आप टॉपिक लेने जा रहे हो वो आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है ग्राफ तो कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, तब उसके ऊपर में काम नहीं करना है। एक दूसरा जो कंटेंट होता है डिक्रीज हो रहा है लेकिन फिर स्पेसिफिक टाइम के ऊपर में आ पा रहा है, फिर डाउन चला जा रहा है, फिर आ पा रहा है, फिर डाउन चला जा रहा है, वो भी नहीं सेलेक्ट करना आपने, क्योंकि ऐसे में जो साल के अंदर जो है 1-2 महीने जो भी वो अप जा रहा होगा उसी वक्त आपकी इनकम जनरेट होगी, वॉच टाइम आएगा, उस पर आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा, लेकिन बाकी टाइम जो है आप डाउन रहेंगे। तो कैसा आपको चेक करना है डिमांड का, जिस पे जो है या तो स्टैटिक चल रहा है कंटिन्यू, थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा सा चलता है ऊपर नीचे लेकिन बिल्कुल नीचे, ऐसा ऊपर नीचे वाला ग्राफ नहीं होना चाहिए, या फिर ग्राफ बेस्ट है कि आपका जो है ग्राफ ऊपर जा रहा है तो फिर तो सोने पे सुहागा है, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा जो है वो होता है दैट इज कॉल्ड द पैशन। नॉलेज तो है क्योंकि मैंने पढ़ा है, पढ़ाई करी है, अब पढ़ाई जरूरी नहीं है कि हमने हमारे अंदर उस चीज का पैशन है, इस वजह से जो है हम उस पर्टिकुलर जो टैलेंट को इस्तेमाल करें। पैशन कहने का मतलब है जैसे मेरी बात करो तो मेरा जो पैशन है दैट इज इनटू कोर आईटी, मुझे वो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेडी करना है वो बड़ा मुझे अच्छा लगता है, प्रोजेक्ट्स में काम करना मुझे अच्छा लगता है, राइट।
तो ये जो है मेरा एक, हाँ हालांकि जैसे मैंने बोला मेरा जो स्किल है दैट इज ऑल्सो इन टू डिजिटल मार्केटिंग, बट जो है मेरा जो पैशन है दैट टू क्रिएट न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज ओनली इन टू दी आई टी फील्ड, वो मेरा एक पैशन है। उसमें आप मुझे दिन रात लगाए रखो, मुझे कभी मैं बोर नहीं होने वाला और मैं कंटिन्यू चलता रहूंगा, ये होता है आपका पैशन। तो आपको अपना पैशन ढूंढना है, माइट भी आपका पैशन ड्राइविंग हो सकता है, माइट भी आपका पैशन जो है ट्रक चलाना हो सकता है, माइट भी आपका पैशन कुकिंग हो सकता है, माइट भी आपका जो पैशन है वो लोगों को बोर करना हो सकता है, राइट, और माइट भी आपका जो पैशन है वो लोगों को हंसाना हो सकता है, कॉमेडी हो सकता है, एनीथिंग, राइट, जिसमें आप नहीं रुकेंगे। क्योंकि अगर किसी दूसरे को इंस्पायर होकर किसी दूसरे के वीडियो देख लो उससे बहुत इंस्पायर हो गए और फिर आज स्टार्ट कर लोगे, चलो मुझे तो यही मेरा पैशन है, मेरे को इसी को अपना पैशन बनाना है। और पैशन पहले से होने में डिफरेंस होता है, आप अभी इंस्पायर्ड हुए हो, ये टेम्पररी नशा है, तो ये उतर जाएगा, यूट्यूब चैनल वापस ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इसीलिए आपको जो है क्या करना है, ऐसा पैशन जो है फॉलो करना है जहां पर जाकर आप कंटिन्यू काम कर सके। अब आपको क्या करना है, तीन सर्कल बनाने उस चीज के, है? तीन सर्कल बनाने, उसके सेंटर में आपको आपकी निश मिल जाएगी। पहला कि आपके पास में कितना नॉलेज है, दूसरा सर्कल उसी को क्रॉस करते हुए बना देना है। फिर मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, वैसे डिमांड मार्केट। फिर तीसरा सर्कल एक और बनाना है, दोनों को सर्कल को क्रॉस करते हुए, दैट इज योर पैशन। अगर ये जो है परफेक्ट आपके हैं तो आपकी निश रेडी है, वही निश है आपकी, और उस निश के ऊपर में चैनल को क्रिएट कर देना है और आगे बढ़ना है। अब आगे चैनल क्रिएट करना कैसे है तो आई एम श्योर आपको पता ही है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, तब अपन प्रैक्टिकल करेंगे, डोंट वरी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, आई होप कि आपको जो निश सिलेक्शन प्रोसेस है तीन स्टेप जो है मैंने आपको बताया आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे, इजी होगा आपको निश को सेलेक्ट करना, वरना बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे आपको जहां पे 10 स्टेप 15 स्टेप 20 स्टेप 50 निश पता नहीं क्या क्या लिख के दिए होंगे, उनमें मत जाइए, कंफ्यूज हो जाएंगे। एक सिंपल तीन स्टेप्स के अंदर अपना निश को फाइंड आउट करें और आगे बढ़ें अपने यूट्यूब चैनल क्रिएशन के करियर के लिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।